ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 11 जनवरी 2021, मंडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, और एक पॉजिटिव खबर भारत के लिए, COVID-19 का जो वैक्सीनेशन है वो इंडिया में January 16 से शुरू होगा, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। इससे पहले एक पॉजिटिव खबर आई थी कि वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है सरकार का, तो वहाँ से 14,100 से 14,350 तक हमने एक जंप उस न्यूज़ के बाद देखा। तो अभी क्या ये न्यूज़ और निफ्टी के ऊपर असर दिखाती हुई नज़र आएगी, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारा फ्राइडे का एनालिसिस था उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का सिनेरियो है, ब्रेकआउट लेवल हमारा उस दिन बन रहा था 14,221 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,120। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ फिर से एक बार और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ये ओपन हुआ। तो यहाँ पर तो शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बनता, और जैसे ही इसने दिन का हाई ब्रेक किया, एक डबल राइजिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना के इसने डे हाई को तोड़ने के बाद और भी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा। तो जो हमने प्लान बनाया था प्री मार्केट प्लान फ्राइडे के दिन, उसके हिसाब से यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन जैसे ही दिन का हाई ब्रेक करता है तो लाइव मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। फ्राइडे को देखिए, अमेरिकी बाजार नासडैक करीब 134 जबरदस्त बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी हल्के खासे पॉजिटिव नोट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। एशियाई बाजार आज देखें तो SGX निफ्टी 56 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स आज वहाँ पर छुट्टी है, बंद है, लेकिन फ्राइडे को देखें तो 648 ऑलमोस्ट 650 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ है। और डाउ फ्यूचर को अभी देखें तो जो फ्राइडे को इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, वहाँ पर एक दोजी जैसा एक बोरिंग कैंडल बनाया था, और उसके बाद आज 170 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। तो एक स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। डाउ फ्यूचर में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि यह SGX निफ्टी 50 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है, तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी होगा। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो धीरे धीरे इसका 76.4% का लेवल, उसके बाद 100% का लेवल, और अभी 123.6% का लेवल अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उसी के प्लस लास्ट वीक का क्लोज हुआ है, 14,347 क्लोज है और लेवल आ रहा था 14,346, तो काफ़ी एक्यूरेटली लेवल साबित हो रहे हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में इस वक्त निफ्टी इंडेक्स पहुंच चुका है, इस जोन में निफ्टी इंडेक्स पास्ट में कभी नहीं था, तो आने वाले लेवल्स को हम इसी तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है आने वाले रेजिस्टेंस की या फिर हर्डल्स की, तो इस लेवल के अनुसार हम अपनी ट्रेडिंग पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अभी निफ्टी ओवरबॉट जोन में है, 123.6% का लेवल अचीव हो चुका है, एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है। लेकिन अगर देखें तो अप्रूवल जब मिला है सरकार का, तो वैक्सीनेशन भी शुरू होगा, ये एक मतलब ये होने वाली चीज़ थी। तो अभी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा, तो इसका कितना असर निफ्टी के ऊपर गिर सकता है ये अगर देखना है, तो 14,350 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही यहाँ से हमें 14,500 के लेवल्स निफ्टी में आते हुए नज़र आ सकते हैं। अभी ऊपर की तरफ 14,500 ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा, और नीचे 14,110 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अभी लास्ट वीक के हाई को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाने में फायदेमंद साबित हो सकता है।
तो ये डेली चार्ट का सीनारियो है। चलते हैं आर्ली चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स ये जो फ्राइडे का हाई बना है यानी ऑलमोस्ट 14,367 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,384, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 14,400, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो ये लेवल्स हो सकती है टारगेट की। और यहाँ पर पिवट पॉइंट को अगर ब्रेक करता है यानी 14,310 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,294, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा एक 14,276, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यूज़ करें, ये लो, ये हाई और ये स्विंग लो, तो आप देख सकते हैं इसका 76.4% का लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव हो चुका है। पहले इसने 14,310 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की और उसके बाद 76.4% को भी इसने अचीव कर दिया। अभी इस हिसाब से, आर्ली चार्ट के हिसाब से अगर माने तो ऊपर 14,425 का लेवल 100% का आ रहा है। तो अगर निफ्टी लास्ट वीक के हाई को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 14,425 के आसपास होगा। तो ये इस समय प्रोजेक्शन है फिबोनाची एक्सटेंशन का, लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो इस समय इंट्राडे लेवल्स ये हो सकती है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।